in the name of allah my dear students we are discussing road safety education and the topic chosen for today's video is who can prevent accidents who are the people

एक्ट ओके एज द सेव गार्ड्स ऑफ द एक्सीडेंट्स हु कैन प्रिवेंट दीज एक्सीडेंट यही एक्सीडेंट्स uh, को प्रिवेंट कर सकते हैं uh, इसमें आप देख सकते हैं द पीपल हु द सोसाइटी द सिविल सोसाइटी पुलिस द रिप्रजेंटेटिव बॉडी दैट मीन्स द गवर्नमेंट द टीचर्स द पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स एंड द ड्राइवर्स दीज और द पीपल हु कैन रियली एक्ट टू प्रीवेंट दीज एक्सीडेंट्स ओके पहले हम देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस द पीपल हु आर इन ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस जो है दे नीड टू परसुवेट से बिहेवियर एमंग पीपल बाय अप्लाइंग द लॉ ट्रैफिक पुलिस का जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस है इन ये बनाई भी जाती है इसी के लिए दे आर मेड दे आर फोमुलेट ओनली

उन पे चले उनको मान ले ठीक है द सेकेंड थिंग इज़ पीपल हु आर द रिप्रजेंटेटिव दैट मीन द गवर्नमेंट दे नीड टू नो अबाउट द प्रॉब्लम एंड हाउ टू रिजॉल्व दैम बाई पासिंग द लॉज एंड एंशोरिंग इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का ये काम है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को देखे उस उन प्रॉब्लम्स को देख के उनका हल निकाल सके वो इनको रिजॉल्व कर सकते इन इश्यूज़ इस को ठीक है कैसे वो लॉज बना के फॉर्मुलेट करके लॉज बना के और उन लॉज को बनाने बना के ये देखना कि, कि क्या वाकई में ये लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कि नहीं इसी तरह सिविल सोसाइटी दे नीड टू बी इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग लोकल एक्शन टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी इनका भी ये हाँ, काम है कि वो इन्वॉल्व करे वो ख़ुद को इन्वॉल्व करे कि वो इनिशिएट करे और सपोर्ट करे लोकल बॉडीज़ को वो सपोर्ट uh, करे इनिशिएट करे ये चीज़ ताकि वो रोड सेफ्टी एजुकेशन रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके इसी तरह पॉलिसी फार्मूलेटर्स दे नीड टू बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीमेंट सोल्यूशनज़ थ्रू पॉलिसी मेकिंग एंड मेक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एट डिपार्ट डिपार्टमेंटल एंडमिनिस्ट्रेवल जो पॉलिसी फार्मूलेटर्स है उनको भी है ये वही देखते हैं क्या होता है ग्राउंड में क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो लॉज फार्मूलेट करते हैं पॉलिसीज़ बनाते हैं पॉलिसीज़ बनाने के बाद Uh, वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये उनका काम है इसी तरह द टीचर्स जो टीचर्स है उनका भी दे नीड टू रिसीव इन सर्विस ट्रेनिंग एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन इन ऑर्डर टू गिव प्लान एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा स्टूडेंट है वही हमारा फ्यूचर है तो हमने टीचर्स uh, का क्या रोल बनता है मेरा क्या रोल है मेरा ये रोल है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करूँ रोड सेफ्टी के बारे में कि आप कैसे रोड रोड आप सेफली चल सकते हैं सेफली ड्राइव कर सकते हैं कैसे आप खुद को बचा सकते हैं और बाकियों को भी बचा सकते हैं कैसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है इसी तरह ड्राइवर्स का भी वो भी आ, बिल्कुल ये होने चाहिए नॉलेजेबल होने चाहिए बिल्कुल वो स्किलफुल होने चाहिए उनको आ, इस तरह से उनको ट्रेन किया गया हो लाइसेंस उसके बाद मिली जब पूरी ऑथेंटिकेशन मिलेगी ड्राइविंग पे तभी ड्राइवर्स को लाइसेंस देनी चाहिए लाइसेंस देने के बाद आ, वो उन पर कंटिन्यूसली विजिल भी होना चाहिए कि कहीं पे कोई ड्राइवर ये तो नहीं कर, कर पा रही ये ट्रैफिक रूल्स को तो अवॉइड नहीं कर रहा है ब्रेक नहीं कर रहा है ठीक है तो ड्राइवर्स पे भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ड्राइवर्स कैसे ड्राइव करते हैं इफ़ एनी ड्राइवर इज़ दी

सेफ्टी ऑन नेचुरल हाईवेज इंक्लूडिंग एक्सीडेंट्स ठीक है तो इस सुखद यात्रा के जरिए से गवर्नमेंट तक इन इश्यूज के बारे में उनकी उनको जानकारी दें इन इश्यूज के बारे में इफ़ एनी इफ़ देर इज़ एनी इशू रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी ओके रिसाइटेशन ऑफ आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट्स इसी तरह से दिस रेक्टिफिकेशन वी हैव टू रेक्टिफाई द आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट्स वी कैन आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स दिस ब्लैक स्पॉट्स ऑन द रोड्स एंड देयर

जिसमें देखा जाता है रोड हाईवेज़ के बारे में उनके उनके डिज़ाइन को कंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन स्टेज को कैसे जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होंगे बिल्डर्स होंगे वो कैसे ये का, उनका ऑडिट भी होता है बिल्कुल फैसिलिटीज सच एज़ फुट ओवर ब्रिज एंड अंडर पासिस और बींग प्रोवाइडेड वेर एवर रिक्वायर्ड फॉर सेफ क्रॉसिंग ऑफ पेडिस्ट्रियंस एंड अदर रोड यूजर्स इसी तरह फुट ब्रिज फुट ओवर ब्रिज है अंडर पासिस बनाई जाती है जहाँ पर पे इन पेडिस्ट्रियंस के लिए पैदल चलने वालों के लिए ताकि एक्सीडेंट वो लोग एक्सीडेंट से बच सके इसी तरह रोड सेफ्टी वीक इज़ ऑब्जर्वड रोड सेफ्टी वीक भी मनाया जाता है एवरी ये हर जनवरी में रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है इस डे ताकि लोग भी अवेयर हो जाए इस इस बारे में इस उनका बिहेवियर मैंट हो जाए ताकि वो एक्सीडेंट से बच सके इसी तरह द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एंड नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी इसी तरह हमारा गवर्नमेंट एक नेशनल रोड पॉलिसी जो है वो अप्रूव की है दिस पॉलिसी आउटलाइंस वे पॉलिसी मेजर सच इज़ प्रोमोटिंग अवेयरनेस प्रोमोट करना रोड्स इस्टेब्लिश करना सेफ्टी रोड्स इस्टेब्लिश करना सेफ़्टी इंफॉर्मेशन डेटा बेस इनक्रेजिंग सेफ़ रोड इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज ओके तो अभी यहाँ पर हमने देखा कौन कौन से लोग हैं जो इन एक्सीडेंट्स में मेन रोल uh, उनका है जो कि वो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते इसी तरह हाउ टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स रोड सेफ्टी डे रोड सेफ्टी वीक शुड बी ऑब्जर्व इन ऑल स्कूल स्कूल में भी ये रोड सेफ्टी डे रोड सेफ्टी वीक मना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी उनको वो अवेयर हो सकें कि ये कोई मामला है और हमें इस पर कैसे उनको उनकी नॉलेज बढ़ सके और उनके साथ कंपटीशन हो जाए रोड सेफ्टी एजुकेशन के टिप्स बनाने के लिए स्लोगन्स बनाने के लिए ऐसी कंपटीशन पेंटिंग कंपटीशन एक्सट्रा ऐसा कुछ होने ताकि इस इशू के बारे में स्टूडेंट्स अवेयर हो जाए ताकि जब वो कॉन्शियस हो जाएंगे इस चीज़ से तो ही वो एक्सीडेंट uh, डेंट से बच सके इसी तरह हैवी पेनल्टी शुड बी इम्पोज ऑन ऑल दोज हु क्रॉस स्पीड लिमिट ड्राइवर्स पे हैवी पेनल्टी होनी चाहिए उनको पेनल्टी देनी चाहिए फे फ़ाइन देना चाहिए अगर वो स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं हीवी पेनल्टी शुड बी इम्पोज ऑन ऑल हु कॉज एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट क्रिएट करने वाले कॉज करने वाले उनको भी पेनल्टी देनी चाहिए टैम्पर प्रूफ स्पीड कंट्रोलर शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल हैवी वहीकल्स इसी तरह टेम्पर प्रूफ स्पीड कंट्रोलर्स होने चाहिए हर एक गाड़ी में टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स शुड बी आस्क टू डिज़ाइन टू व्हीलर डिजाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ तो जो भी टू व्हीलर एक्टा टू व्हीलर की वजह से बताया जाता है कि वो टू व्हीलर ऐसे बनाए जिनकी स्पीड ऑनली फिफ्टी टू सिक्सटी किलोमीटर्स पर आवर हो उसके अलावा ना हो ताकि एक्सीडेंट से बच सकेंटेन दिस में स्पीड कंट्रोल ठीक है स्पीड कंट्रोल करनी ओबे ट्राइव ट्रैफिक रूल्स वीअर सीट बेल्ट एयर बैग्स और मस्ट इन व्हीकल दिज आर ऑल्सो सम ऑफ द पॉइंट्स वी शुड ओबे टू प्रिवेंट द रोड एक्सीडेंट्स इसी तरह से आप देख सकते हैं यह है। तो ये चीज़ें हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वन वे ट्रैफिक होना चाहिए स्टॉप सिग्नल का ख्याल रखें स्पीड लिमिट का ख्याल रखे रॉन्ग वे पे ना जाए रॉन्ग वे से डैडेंट हो सकता है ठीक है तो अपने अपने रूट्स पे जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स है ट्रैफिक रूल्स है वो ओबे करें ताकि एक्सीडेंट से बच सके दीज वर वी शुड रियली एनफोर्स एंड वी रियली शुड ओबे सो दैट वी वी कैन ourselves and others from accidents. Thank you very much.